अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे। ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का दूसरा क्लास है। मैंने जो पिछला क्लास था उसमें कुछ थ्योरी भी बताई थी और कुछ प्रैक्टिकल भी। अब यहाँ पर मज़ीद हम वैसे करेंगे, कुछ क्लासेस बिल्कुल बिगेनर्स के लेवल के होंगे, फिर हम इंशाल्लाह उसमें मज़ीद जो फार्मूलेज है और एडवांस टूल्स है उसके बारे में हम माइग्रेट हो जाएंगे। फर्ज़ करें यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ नेम हो गया, उसके बाद जैसे ही मैं कीबोर्ड से इंटर प्रेस करता हूँ तो ये यहाँ लेफ़्ट की तरफ जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये किस तरह होता है? बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन इस तरह होता है। कभी कभार आप लोगों को ज़रूरत पड़ जाती है, मैं यहाँ पर अभी दिखा देता हूँ। यहाँ एक्सेल ऑप्शन में जाता हूँ, यहाँ पर जो एडवांस टैब है मैं यहाँ पर जाता हूँ एडवांस टैब, तो यहाँ पर एडिटिंग के ऑप्शन है तो यहाँ पर ये राइट की तरफ जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये डाउन होता है, जिस तरह यहाँ पर मैंने लिख लिया। पर इसके लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ नेम, अब ये इस तरह आ गया। तो कभी कभार आप लोगों को चाहिए होता है कि आप कोई काम करते हो जल्दी से आप लिख लेते हो, यहाँ पर आप लोगों को ये ऑप्शन इसमें बड़ी दुश्वारी होती है, तो ये इसको हम किस तरह आसान बना सकते हैं। तो आप लोगों ने जाना है जो ऑफिस बटन है यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर है एक्सेल ऑप्शंस, फिर आप लोगों ने एक्सेल ऑप्शन में जाना है और इसके बाद यहाँ पर जो है एडवांस में आना है। उसके बाद एडिटिंग ऑप्शंस है, यहाँ पर आप लोग कर सकते हो कि आपने राइट में करना है या लेफ्ट में करना है। यहाँ पर ये हो गया राइट में, तो इस तरह ये फादर नेम हो गया, आईडी, उसके बाद जैसे ही मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो ये इस तरह आता है। उसके बाद मैं अगर एड्रेस लिख लूँ, एड्रेस हो गया ये हमारा, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद अगर कोई जीमेल है जीमेल हो गया, तो ये इस तरह। आप ये भी कर सकते हो कि आप लोगों ने, अगर मैं इन सब को पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि इसमें जो स्पेस है वो इसके बराबर आ जाए। फ़र्ज़ करें आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट हुए हो और आपसे कुछ गलती हो गई, आपने यहाँ पर जाना है जीमेल में, तो आप ये कीबोर्ड के ज़रिए भी कर सकते हो। कीबोर्ड के ज़रिए किस तरह कर सकते हो? कीबोर्ड के ज़रिए आप लोगों ने शिफ्ट टैब प्रेस करना होगा तो आप बैक में चले जाएंगे, तो आप पीछे जाओगे। तो ये हो गया कुछ बेसिक, इसका जानना, इसका इलम होना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो शीट होते हैं उसकी जो तादाद होती है वो 3 होती है। आप किसी भी शीट यहाँ पर आप क्लिक करके इंसर्ट, कोई नई शीट आप देख सकते हो, यहाँ पर है वर्कशीट, यहाँ पर स्प्रेडशीट, बिलिंग, पर्सनल, यहाँ पर किसी किस्म का भी यहाँ पर आप इंसर्ट कर सकते हो, या यहाँ पर ये जो आइकन बना हुआ है इस पर क्लिक करके भी, या आप कीबोर्ड से शिफ्ट F11 जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के पास ये शीट कुछ इस तरह से हो जाएगी। इसके बाद आप इसको कलर भी दे सकते हो, आपने बहुत सारे शीट बनाए हो या कोई सैलरी का वो किया हो और दिसंबर तक आप लोगों के पास मंथ हो तो आप उसको मखसूस कलर दे सकते हो महीनों के हिसाब से भी। तो यहाँ पर हो गए हमारे कुछ इस तरह नाम, तो इसको हम यहाँ पर बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर, ये हो गया हमारा बॉर्डर। उसके बाद मैं टैब प्रेस करता हूँ, यहाँ पर ये भी हो गया इसको। अब ये जो आईडी है यहाँ पर हम इसको ये टिक बॉक्स बॉर्डर दे देते हैं, तो ये इस तरह हो गए हमारे बॉर्डर। यहाँ पर जीमेल पर भी हमने बॉर्डर अप्लाई कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ जो वन है मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद इंसर्ट, तो ये इस तरह से एक नई जो वो है वो आ गई। उसके बाद मज़ीद मैं इंसर्ट करता जाता हूँ तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया। ओके, उसके बाद यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं, कल भी मैंने बताया था वो जो परसेंटेज मैंने निकाला था, यहाँ से आप जो आप काम कर रहे हो उसी हिसाब से आप इस पर जो कंडीशन है जो फॉर्मेट है वो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लोगों के पास कुछ रकम है, अगर आप उसमें कोई कंडीशन अप्लाई करना चाहते हो तो आप वो कंडीशन किस तरह अप्लाई करोगे? फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम वही जो कल मैंने बताया था रेंट बिटवीन का फार्मूला, यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास है कुछ रकम। उसके बाद मैंने कामा, यहाँ पर मैं 15 कोई इस तरह ये डिजिट मैंने ले लिए, शिफ्ट के साथ मैंने क्लोज कर दिया। और फिर इसी तरह मैं यहाँ पर जो पेस्ट स्पेशल की है मैं वहाँ पर गया, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया वैल्यूज़। ओके,
अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर है ये जनरल, ये बिल्कुल जनरल है। अगर मैं इस पर कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट अप्लाई करना चाहता हूँ नंबर्स का, ये हो गया हमारे नंबर्स करेंसी के, तो ये होगा ये करेंसी का, अकाउंटिंग का। तो मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन है यहाँ पर, ये जो फ्रैक्शनल ये ऑप्शन, या जो साइंटिफिक है ये साइंटिफिक, ये लॉन्ग शॉर्ट, जिस तरह ये जो चीज़ें होती है जो सी लैंग्वेज में होती है, यहाँ पर भी वही सेम है। ये फॉर्मेट जो है ये वाला, ये साइंटिफिक फॉर्मेट है, ये असल में सी लैंग्वेज में भी है। अगर आप लोगों ने किया होगा तो आप लोगों को बेहतर पता होगा। तो ये यहाँ से जो फॉर्मेट है हम यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद ये कि यहाँ पर भी ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर जो सिंबल है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट या किंगडम का, या यूरो जो चाइनीज़, आप इसमें ख़ुद से ऐड भी कर सकते हो। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो वीडियो भी आएगा कि हम इसमें अपना जो है पी के आर या जो दूसरी करेंसीज़ है वो भी आप इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद है यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे हाईलाइट सेल करना है, यहाँ पर ग्रेटर देन, यहाँ पर मैंने जो सेल है ना यहाँ पर, ये जो 85 है इससे जो ग्रेटर देन है मैंने उसे क्या करना है, हाईलाइट करना है, तो ये हाईलाइट हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ अपनी कोई वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हो, यहाँ से आप कोई वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हो। तो मज़ीद ये कि मैंने वो सेलेक्ट किया था, मज़ीद जितने भी थे उससे ग्रेटर वो सारे के सारे क्या हो गए, हाईलाइट हो गए। यहाँ पर जो डेटा बार्स है उनको भी आप कलर दे सकते हो, जो बड़ा होगा उसमें वो ज़्यादा होगा। यहाँ से आप मोर जो रूल्स है उस पर भी क्लिक कर सकते हो, यहाँ से आप कस्टम रोल भी बना सकते हो। इसके अलावा ये कि आप इसमें जो आइकॉन्स है वो भी लगा सकते हो, जिस तरह ये हो गया, इसमें जो कम है वो डेंजर होगा यानी कि रेड, और जो ब्लू होगा, जो ब्लू होगा वो क्या होगा, वो होगा जो ज़्यादा होगा, यहाँ पर जो कम होगा वो रेड होगा, और जो ब्लू होगा वो किस तरह होगा, जो ब्लू जो ग्रीन होगा वो। अभी आप लोगों को मैं एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ से मैं विंडो आर प्रेस कर देता हूँ, यहाँ पर मैं अगर एम एस पेंट को ओपन करूँ, यहाँ पर मैं आप लोगों का एक बुनियादी जो डाउट है वो क्लियर करके देता हूँ। या इस तरह करते हैं कि ये हमारे काम का नहीं है, इसमें हमें ज़्यादा वो नहीं मिलता। यहाँ से मैं विंडो आर प्रेस कर देता हूँ, मैं यहाँ पर फोटोशॉप को ही ओपन कर लेता हूँ। अभी बहुत सारे दोस्त बोलेंगे कि ट्यूटोरियल तो एम एस एक्सेल का है और फोटोशॉप क्यों, अभी मैं वापस एक्सेल में आता हूँ, तब तक के लिए एडा फोटोशॉप ओपन हो जाएगा। अभी मैंने इनको सेलेक्ट किया हुआ है, अगर कंडीशनल में कंडीशन जो है आइकन सेट में यहाँ पर, तो ये जो सेट है ना मैंने इस पर क्लिक किया हुआ है, या जो रेड है मैंने उस पर क्लिक किया हुआ है। इस तरह मुख्तलिफ सेट्स हैं, आप देख सकते हो जो ज़्यादा है, अभी यहाँ पर जो पहला पहला नंबर है वो कम है तो उस पर एक सिग्नल है, या इस तरह ये हो गया। तो अभी जो ग्रीन है, जो रेड है, जो रेड तो जो कम नंबर है उसके साथ रेड है, और जो ज़्यादा नंबर है उसके साथ दूसरा है, उससे ज़्यादा जो है उसके साथ फिर येलो है। तो ये आखिर चक्कर क्या है? अगर मैं यहाँ पर एक नया डॉक्यूमेंट बना लूँ, मैंने यहाँ पर एक नया डॉक्यूमेंट बना लिया, ओके, ये मैंने आप लोगों के लिए एक नया डॉक्यूमेंट बना लिया। मैं F7 प्रेस करता हूँ ताकि हमारे जो लेयर है वो गायब हो जाए। मैं यहाँ पर एक नया लेयर बना लेता हूँ, फर्ज करें ये, यहाँ से मैं शिफ्ट प्रेस कर देता हूँ, शिफ्ट, ये इस तरह हो गया। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल डिलीट, ओके। अब मैं लेयर को ले आता हूँ, अभी आप लोगों को समझ आएगा। मैं ऑल डिलीट प्रेस कर देता हूँ, ऑल डिलीट। आप फर्ज करें कि मैं ये बता क्यों रहा हूँ, तो ये जो कलर है जिस तरह वो हो गए रेड, तो ये उसी के हवाले से है। तो अभी आप लोगों को समझ आ जाएगा कि ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ, बिल्कुल मैंने रेड कर दिया, ओके ओके। अब मैं यहाँ से ब्रश टूल ले लेता हूँ जो कि इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है,
तो यहाँ से मैं छोटा कर लेता हूँ। ओके, ये हो गया छोटा। मज़ीद मैं छोटा कर देता हूँ। यहाँ से जो कलर है मैं इसे बिल्कुल येलो कर देता हूँ। ओके, ये हो गया इस तरह। अब हम काम कर सकते हैं। वहाँ पर जो कलर थे, जो कि मैंने बताया कि जो कम है उसके साथ हमें क्या दिखाई देता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस तरह जो 111 नंबर है, इसके साथ जो आइकन सेट हमने वहाँ पर अप्लाई किया वो 111 क्यों हमें इस तरह दिखाई दे रहा है। और जो बड़ा नंबर है जो ग्रीन था, उसके साथ अगर कोई बड़ा हिंसा हो तो उसके साथ वो हमें क्या दिखाता है, वो हमें ग्रीन दिखा देता है। तो ये आखिर चक्कर क्या है? तो ये जो लाइट की फिनोमेना है जिसको हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जी हाँ दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अभी ये हमारा जो फिज़िक्स का है, आप लोग बोलेंगे कि यार ये तो अभी फिज़िक्स का वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये आप लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी है कि आप लोगों को जो कलर है उसकी समझ आ जाए। तो यहाँ पर मैं इरेज़र टूल ले लेता हूँ। यहाँ पर ये तो इरेज़ नहीं होगा, ये मैं शिफ्ट ई प्रेस कर देता हूँ। उसके बाद अगेन मैं शिफ्ट ई प्रेस कर देता हूँ, तो वो जो चीज़ें थी वो क्या हो गई, वो इरेज़ हो गई। ये तो कंट्रोल ऐसे और इस तरह ये हम इरेज़ कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं बुरश टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब फर्ज़ करें कि ये हमारा सन है। ये क्या है? ये हमारा सन है। जब यहाँ से कलर आता है तो ये क्या हो गया, ये जो एरिया है इस तरह ये है, ये हमारा हो गया, मैं इसे थोड़ा बड़ा करके लिख लेता हूँ, ये हमारा हो गया वी ए, ये हमारा हो गया क्या, ये हो गया हमारा वैक्यूम। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा हो गया वैक्यूम। जब लाइट रेज इस सन से आती है हमारे ग्लोब की तरफ, तो यहाँ पर कोई पार्टिकल्स नहीं होते हैं, कोई पार्टिकल्स नहीं होते हैं, यहाँ पर स्कैटरिंग नहीं होती है, यानी कि जो फैलाव है वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ पार्टिकल है नहीं। लेकिन जो हमारा अर्थ है, जो हमारा ग्लोब है, वहाँ पर ARK हो गए, जो पॉल्यूशन के N2 हो गए, O2 हो गए, इस तरह के जो पार्टिकल है, जो वाटर ड्रॉप्स हो गए, हमारी जो ग्लोब है वो इसे क्या है, वो इसे भरी हुई है। तो जब ये लाइट रेज यहाँ से आती है, तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं। जब ये लाइट यहाँ पर इस तरह आती है तो ये स्कैटर हो जाती है, ये चारों तरफ फैल जाती है, कोई इधर चला जाता है, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, मुख्तलिफ डायरेक्शन में ये लाइट फैल जाता है। जब ये लाइट फैल जाता है तो किसी ऑब्जेक्ट में, तो इस तरह हम किसी चीज़ को देख पा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, मैं शिफ्ट एम प्रेस कर देता हूँ, इस चैनल पर फोटोशॉप की जो सीरीज़ है वो भी शुरू है यहाँ पर इस तरह। तो मैं इसके लिए एक नया लेयर ले लेता हूँ, यहाँ से मैं जी प्रेस करता हूँ ग्रेडियंट। तो यहाँ पर ये जो है रेनबो का, और ये भी तकरीबन ये स्पेक्ट्रम है, और दूसरा मैंने सेलेक्ट किया था रेनबो। तो यहाँ पर हम इसकी जो ऑप्शन है वो ठीक है। अगर मैं शिफ्ट से इसे नीचे करो या इस तरह करो कि मैं नीचे से ऊपर करता हूँ, नीचे से ऊपर, तो जो वाइट लाइट आती है, जो वाइट लाइट होती है वो इसी तरह होती है, जो वाइट लाइट होती है वो इन सात कलरों पर मुश्तमिल होती है। ये रेड हो गया, ये उसके बाद इसमें कुछ जो हो गया ऑरेंज, उसके बाद येलो, ग्रीन, ये इंडिगो किस्म का या ग्रीन, ये हो गया जो ब्लू कलर है, और ये इस तरह जो विवेट कलर है। तो इस तरह ये जो कलर होते हैं ये कितने किस्म के होते हैं, मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, मैं कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, बट ये हमारा लेयर सेलेक्टेड नहीं था, मैंने कंट्रोल टी प्रेस कर दिया। ओके, अब ये सेलेक्ट होगा, मैं कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इस तरह। मैंने इसे थोड़ा छोटा कर लिया इस लेयर को, ताकि मज़ीद आप लोगों को समझा सकूं। तो वो जो लाइट है, जो रेड है, वो हमें कम क्यों दिखाई देता है, अभी मैं उसकी बात करता हूँ। ये लाइट की मैंने एक मुकम्मल, आप लोग ऐसा समझे कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो लेसन है उसमें मैंने आप लोगों को लाइट
का जो लेक्चर है वो आपको दे दिया, लेकिन इससे आप लोगों को यकीन करें कि फ़ायदा होगा। तो ये उसी सेट की वजह से जो यहाँ पर था, जो वहाँ पर सेट था, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो इसी की वजह से ये मैंने पढ़ाया था कि आप लोगों को पता चले कि आखिर ये रेड इतना बदनाम क्यों हुआ है, ये ग्रीन क्यों इस तरह है, ये ब्लू किस तरह है। जब आप लोगों को ये पता चलेगा कि ये आखिर में हुआ क्यों इस तरह है, तो आप लोगों को एक पढ़ने में भी मज़ा आता होगा, क्योंकि क्या फिर आसानी से ये जो फिनामिना है इसको समझोगे, और कोई और आपका दोस्त हो आप उसे भी आसानी के साथ समझा पाओगे। तो ये सात कलर जो होते हैं वो इस तरह फैल जाते हैं, यानी कि चारों तरफ स्कैटर हो जाते हैं। यहाँ पर अभी जो मैंने ये बता दिया जिस तरह के, इसमें कितने होते हैं, इसमें सेवन कलर होते हैं, जिसको रेनबो या टिंडल इफेक्ट भी बोल सकते हो उर्दू में, जिस तरह कोसे कज़ा बोलते हैं, मुख्तलिफ नाम से इसके, ये बारिश के दौरान भी होता है। अभी आप लोग फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से एम ले लेता हूँ, शिफ्ट एम मैंने ले लिया, अभी मैं ये जो कलर है मैं इसको ब्लू फील कर देता हूँ, ब्लू। ओके, अब मैंने एम प्रेस कर दिया, मज़ीद मैं ये जो चीज़ है शिफ्ट के, तो इस तरह इसको मैंने कर दिया रेड। तो अभी आप लोगों को समझ आ जाएगा कि मैं क्यों इस तरह जो बोल रहा हूँ, अभी आप लोगों को समझ आएगा। यहाँ पर ये मैं इसे अगर कंट्रोल टी प्रेस करूँ तो मज़ीद ये ख़राबी हो जाएगी। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास है, ये ब्लू फ्लैग है हमारे पास, और ये रेड फ्लैग है। यहाँ से मैं लिख भी देता हूँ, मैं कंट्रोल डी प्रेस कर देता हूँ, यहाँ से मैं लिख लेता हूँ एफ, यहाँ से मैं इसको नाम दे देता हूँ, यहाँ से ये होगा ए फ्लैग्स, यहाँ से ये तो होगा ए फ्लैग्स, ये फ्लैग्स हो गए। आप फ़र्ज़ करें कि ये जो ब्लू फ्लैग है इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक का। इसमें मैं अब जो कलर फिल करूँगा वो वाइट करूँगा, वाइट नहीं बल्कि यही ब्लू ही, ठीक है। अब उसके बाद मैं एम प्रेस करता हूँ, मैंने एम प्रेस कर दिया, शिफ्ट के साथ मैं इसे नीचे लाता हूँ। ओके, अब यहाँ पर ये जो रेड है मैं इसे फिल कर देता हूँ। ओके, कंट्रोल डी करता हूँ, उसके बाद मैं दोबारा से एम, यहाँ पर अभी ये दो लाइट है, फर्ज करें ये दो फ्लैग है, ये क्या है, ये फ्लैग है, कितने फ्लैग है, ये दो फ्लैग है, मैंने इसे कंट्रोल डी कर दिया इस तरह। आप लोगों को समझाने के लिए मैं ये शेप ड्रा कर रहा हूँ, ताकि लाइट का जो कंसेप्ट है आप लोगों का वो क्लियर हो जाए। यहाँ से मैं ई ले लेता हूँ, इरेजर टूल, सॉरी, यहाँ से मैं कर देता हूँ क्लिक। ओके, अब फर्ज करें यहाँ से आ रही है क्या, यहाँ से आ रही है एक ट्रेन। आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पर डेंजर पॉइंट्स होते हैं या ट्रेन वगैरह या कोई दूसरी इस तरह चीज़, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमेशा जो रेड कलर होता है, रेड कलर उसका इंतखाब वो ज़्यादातर करते हैं। तो ये आखिर वजह क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास है फ्लैग, इसको है ब्लू ब्लू, और एक है रेड, ये ब्लू है एक रेड है। अब जो ब्लू है फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास फ्लैग है, अब ट्रेन आप फर्ज करें कि 2 किलोमीटर में है, दो यहाँ पर जो ट्रेन है वो हमारे पास है 2 किलोमीटर में। हमारे पास जो ब्लू कलर है, ब्लू वो जब स्कैटर होगा, क्योंकि के ब्लू सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है, ब्लू क्या होता है, ब्लू सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है, ब्लू सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है, और जो रेड कलर है वो बहुत कम स्कैटर होता है, इसलिए वहाँ पर जो ज़्यादा नंबर थे उसमें रेड नहीं था, जो कम नंबर थे वहाँ पर रेड कलर था। अब ट्रेन है 2 किलोमीटर के फासले पर, अगर यहाँ पर ब्लू कलर हो या ब्लू फ्लैग हो तो उसको स्कैटर होने में, क्योंकि उस पर जब लाइट लगेगी, उस जब स्कैटर हो जाएगी तो वो इस तरह चलते चलते ख़त्म हो जाएगी, वो फिर हमें 2 किलोमीटर के फासले पर दिखाई नहीं देगा। बट जो रेड कलर है वो इसलिए कि वो कम स्कैटर होता है, कम स्कैटर होने की वजह से वो हमें
दूर से दिखाई देता है, इसलिए हम रेड का इंतखाब करते हैं। आप लोगों ने वहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यहाँ पर देख लिया कि यहाँ पर ये जो नंबर है ये कम है, ये कम है और ये कम है। तो ये कम स्कैटर की वजह से, यानी कि तो जो मैंने अभी बता दिया आप लोगों को कि वजह क्या है, तो इसी की वजह से, ये कम स्कैटर होने की वजह से यहाँ पर हमें रेड कलर दिखाई देता है और यहाँ पर ब्लू कलर। अभी मैं दोबारा जाता हूँ यहाँ पर मैं दोबारा जाता हूँ और मज़ीद आप लोगों को चीज़ें समझानी है। ये तो समझ गए होंगे, लेकिन अभी मज़ीद आप लोगों के कुछ डाउट्स ज़रूर होंगे। तो मैं यहाँ से इरेज़र टूल ले लेता हूँ, मैं इसको इरेज़ कर देता हूँ। मैंने उसे कर दिया इरेज़ इरेज़। अब ये जो कलर तो मैंने बता दिए, अब ये इसमें कौन कौन से कलर होते हैं, मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल ले लेता हूँ। टेक्स्ट टूल यहाँ इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है मैं उसे ओपन कर लेता हूँ मैं, ताकि उसकी जो साइज़ है वो मैं कम कर सकूँ। अब ठीक है, अब मैं डी प्रेस करता हूँ। ओके, ये जो लेयर है मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब टेक्स्ट टूल में दोबारा ले लेता हूँ यहाँ पर। अब ठीक है, इसमें कितने किस्म के कलर होते हैं, इसको हम कहते हैं विबग्योर। इसमें विवेड होता है, इसमें जो कलर विवेड हो गया, इंडिगो, इंडिगो कलर हो गया, उसके बाद आता है ब्लू, उसके बाद जो कलर है ब्लू के बाद आता है ग्रीन, ग्रीन ग्रीन के बाद आता है येलो, येलो उसके बाद आता है ऑरेंज, और लास्ट पर क्या आता है रेड। आप लोगों ने अगर गौर किया होगा, या आप ऐसी जगह पर रहना चाहते हो जहाँ पर जो सन है आप उसे क्लोजली देख सकते हो, तो आप लोगों ने जो दीगर का वक़्त होता है, आप लोगों ने उस वक़्त को ज़रूर देखना है कि ये जो कलर होते हैं ये किस तरह होते हैं। तो आप देख पाओगे कि जो सन होती है, यहाँ पर मैं अगर दिखा दूँ तो वो इस कलर में होगी, जो दीगर का वक़्त होगा उसमें जो सन होगी वो येलो, और जो ऑरेंज है, और ये कुछ इस तरह, ये जो तीन कलर है ये ज़्यादा दिखाई देगा, क्योंकि जो ब्लू कलर है सबसे ज़्यादा स्कैटर होने वाला कलर कौन सा है, वो है ब्लू। इसलिए जब दिन के वक़्त होता है, दिन के वक़्त तो जो सूरज होता है, फर्ज करें ये है सूरज और ये है हमारा डिस्टेंस, हमारा डिस्टेंस। दिन के वक़्त जो कलर स्कैटर होता है ब्लू सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है ब्लू, और ये दूसरा इसमें जो विविड या इंडिगो ये भी इस तरह, तो ये सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है। और ये सूरज का जो डिस्टेंस होता है वो हमसे काफ़ी नज़दीक होता है, इसी डिस्टेंस की वजह से हमें जो ज़्यादा कलर पहुंचता है वो क्या होता है, वो ब्लू होता है, इसलिए जो स्काई होता है वो हमें ब्लू दिखाई देता है। लेकिन जो सुबह का वक़्त होता है, या इस तरह जो शाम का थोड़ा वक़्त रहता है जब सूरज ग़ुरूब होने को होता है, तो वो क्यों होता है, वो इसलिए कि सुबह के वक़्त जो सूरज का डिस्टेंस होता है और जो हमारा डिस्टेंस होता है वो काफ़ी दूर होता है। अब इन सात कलर में से ये जितने भी कलर है ये इनमें से कुछ कलर, यानी कि ज़्यादातर हमें ये तीन कलर ही पहुंच जाते हैं, ये जो तीन कलर है येलो ऑरेंज रेड, दूसरे कलर हमें स्कैटर होते 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 ख़त्म हो जाते हैं, और जो कलर हमें पहुंच जाते हैं सिर्फ हमें वही कलर दिखाई देते हैं इसी वजह से। और शाम को सूरज गुरूब होने से पहले जो वक़्त होता है वो भी सेम इसी तरह ही होता है। अब आप लोगों ने गौर किया होगा, देखे होंगे बहुत सारे अंडर वाटर जो फोटोज़ होते हैं या वाटर के, तो वो हमें ब्लू दिखाई देता है, वो इसलिए कि वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। वो क्या होते हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बड़े होते। अब मैं इसको ख़त्म करने वाला हूँ, मज़ीद इसमें ज़्यादा नहीं जाता हूँ, फिर आप लोग बोर हो जाओगे। वैसे ये जो टॉपिक है ये है बड़ा इंटरेस्टिंग, मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को जो कलर का है ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि कलर क्यों इस तरह। अभी जो मैंने बताया कि वाटर, वो इसलिए कि वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं बड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं इस तरह बना रहा हूँ, आप ये एक पूल है इस तरह, ये पानी से भरा हुआ है इस तरह, यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल है, यहाँ पर है ये सूरज,
जब लाइट रेज यहाँ से आती है, जब इस पर लगती है, तो ये कौन से कलर को ज़्यादा स्कैटर करती है, क्योंकि एक तो मलिक्यूल भी बड़ा है, और दूसरी बात यह है कि जो सन है उसका जो डिस्टेंस है वो काफ़ी नज़दीक है, तो इसमें जो स्कैटर होगा सबसे ज़्यादा कलर वो कौन सा होगा, वो होगा ब्लू। इसलिए पानी हमें ब्लू दिखाई देता है। अब बारिश के बाद, जब बारिश होता है, आप अगर गांव में है तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा अंदाज़ा होगा कि बारिश जब होती है और जो दरख्त होते हैं बारिश होने के बाद उसमें से लाइट पास हो जाती है, जिस तरह बीम लाइट इफेक्ट नहीं होता है, ये हम बनाएंगे भी। बीम लाइट जो इफेक्ट होता है वो आप लोगों को दिखाई देता है, वो इसलिए कि जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो उसी में से लाइट गुजर जाती है, इसलिए आप लोगों को वो इस तरह दिखाई देता है। उम्मीद है ये जो लाइट का है ये आप लोगों को समझ आया होगा। आप खुद भी जिस तरह मैंने डायग्राम्स बनाए थे आप खुद भी उस तरह बनाएं। तो ये हमें किस चीज़ में, जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है उसमें, ये जो आइकन सेट है, ये जो ट्यूटोरियल था, ये मैंने सिर्फ इसी वजह से बनाया। यहाँ पर एक दूसरा जो चीज़ है जो क्लियर करता जाऊँ कि जब बारिश होता है, जो कोसे कज़ा होता है, जो टिंडल इफेक्ट होता है, जिस तरह यहाँ पर है, इसको टिंडल इफेक्ट और रेनबो मुख्तलिफ नाम है उसके, तो वो क्यों होता है, वो इसलिए कि हवाओं में जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं वो फ्रीज़ हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो फ्रीज़ हो जाते हैं जब लाइट उस पर पड़ती है इस तरह, तो वो उसी की वजह से। फ़र्ज़ करें कि आप लोगों के पास ये एक लाइट है, ये एक लाइट है, आप लोगों ने जो होता है एक ग्लास इफेक्ट, उसका नाम अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा है, आप लोगों ने उसे रख लेना है इस तरह, उसमें जब लाइट गुजर जाएगा तो आप लोगों को यहाँ पर 7 कलर दिखाई देंगे। जो ग्लास है, माइलर ग्लास, स्पेशल टाइप ग्लास होता है जो स्कूल और कॉलेजेस के लेबोरेटरीज में होती है। आप अगर अभी स्टूडेंट हो, उम्मीद है स्टूडेंट ही होंगे, या टीचर है फिर भी आपके इलम में इजाफा होगा, कोई मसला नहीं, तो आप लोगों ने उसमें लाइट पास करना है, वो जो ग्लास इफेक्ट है स्पेशल जो माइरर है उसे, वो जब लाइट उसे गुजरेगी तो आप लोगों को ये 7 कलर देगी। लेकिन ये किस, ये इन्वर्स होगा, ये कलर किस तरह होंगे, इन्वर्स होंगे, यानी कि अभी तो नीचे से रेड है लेकिन वहाँ पर ऊपर से क्या होगा, रेड होगा, और नीचे ये कलर होगा, ये वाला कलर, ठीक है ना। अगर उसी को आप इन्वर्स करके रख लेंगे उसी ग्लास को, तो आप जब लाइट गुजरेगा यहाँ पर जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा वो क्या होगा, वो होगा जो वाइट लाइट है उसी का रिज़ल्ट आप लोगों को मिलने वाला है। तो बस लाइट की फिनामना को कर देते हैं यहाँ पर ख़त्म। अब हम मज़ीद एक्सेल में कुछ काम कर लेते हैं, तो मैं यहाँ से इसे कर देता हूँ डिलीट, मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया। यहाँ पर आप फॉर्मेट टेबल है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं इस एरिया को, यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से मैं इस, ये जो पोर्शन है मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से मैं फॉर्मेट टेबल पर जाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो इसको नाम दिया हुआ है लाइट टेबल, ये मीडियम, ये डार्क, और न्यू टेबल स्टाइल, न्यू टेबल स्टाइल, यहाँ पर आप मुख्तलिफ किस्म के इसको चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर वेयर इज़ द डेटा फॉर योर टेबल, तो ये इसने इसको क्लोज कर लिया। माई टेबल हैज़ हेडर, अगर आप इस पर ये क्लिक करते हैं तो ये आपको हेडर भी देगा। यहाँ पर ये टेबल 2 है, टेबल 2 के नाम से, इसका नाम भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो, जिस तरह मैंने बताया था कि हम किसी सेल में क्लिक करते हैं, अगर हम F2 प्रेस करें तो हम उसके एडिट मोड में चले जाते हैं, अगर इंटर प्रेस करें तो वो हो जाता है एक्सेप्ट, अगर हम एस्केप की प्रेस करते हैं तो हम हो जाते हैं क्या, तो हम हो जाते हैं रिजेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कॉलम है तो मैं इसे नाम दे देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह है हमारा, ये हो गया नाम, उसके बाद है ये हो गया फादर नेम, उसके बाद है हमारा ID, ओके मैं इंटर प्रेस करता हूँ, उसके बाद है एड्रेस, उसके बाद है मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर हो गया, जीमेल, ये हो गया हमारा जीमेल, उसके बाद लोकेशन, लोकेशन, उसके बाद जिप कोड, इस तरह हम एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पर हम क्या दे दें, जिप कोड। तो ये यहाँ पर जो नाम आते थे वो हमने क्या कर दिए, वो हमने कर दिए चेंज। तो ये जो इस पर तफसीलन, ये अगर मैं अभी इस पर आप लोगों को पढ़ाने लगूँ तो ये तकरीबन 2 घंटे से भी ज़्यादा लगेगा, इस पर काम है बहुत सारा, बट फिलहाल आप बिगेनर हो तो ये बिगेनर ही के लिए है ये ट्यूटोरियल, तो इसी वजह से आप लोगों ने अभी सिर्फ इसे इस तरह ही
समझना है जिस तरह मैंने पढ़ाया है। यहाँ से जो है इंसर्ट आप सेल भी कर सकते हो यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप इस पर अपना कर्सर थोड़ा रुकाते हो तो यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट जो इक्वल है जो प्लस में है कीबोर्ड में बिल्कुल शिफ्ट के साथ ही सॉरी बैक स्पेस के साथ ही, तो यहाँ पर ये ऑप्शन है। उसके बाद रो हो गया इंसर्ट। अगर आप शीट करना चाहते हो तो देखो यहाँ पर हमारे पास शीट भी हो गया। इसके अलावा आप यहाँ से डिलीट सेल भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्लिक किया हुआ है तो मैं अगर चाहूँ तो मैं डिलीट सेल पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारा इस तरह ये डिलीट सेल भी हो गया, डिलीट शीट भी, डिलीट कॉलम। यहाँ से आप कुछ भी डिलीट कर सकते हो। यहाँ से आप कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट भी दे सकते हो। यहाँ पर रो हाइट भी दे सकते हो। यहाँ पर रो हाइट है 15। अगर आप चाहते हो कि ये कुछ बड़ा हो तो आप 50 भी दे सकते हो। तो ये हो गया रो हाइट और ये मैंने 50 दे दिया। यहाँ पर जो फॉर्मेट है वो बाय डिफ़ॉल्ट जूटा हम अगर वो दे दे तो वो कुछ इस तरह से था। यहाँ पर जो फॉर्मेट है फॉर्मेट यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जो वीट है आप यहाँ से क्लिक करके भी चेक कर सकते हो। फ़र्ज़ करें आप लोगों ने जो कापियाँ होती है एक किस्म की जो बड़े खाने वाले होती है अगर आप लोगों ने वो बनाना है तो रो हाइट जो होता है ना यहाँ पर 15 है, 15 की जगह अगर आप 50 कर लेते हो तो ये बिल्कुल उसी तरह आप लोगों के पास आ गया। अगर मैं यहाँ पर 1 प्रेस करो और कंट्रोल इंटर प्रेस करो तो ये इन सब में इस तरह आ जाएगा। मैं यहाँ से ये इसको सेंटर कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको कंट्रोल वी कर देता हूँ, उसके बाद कंट्रोल जो ब्रेसेस है उससे मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ यहाँ से या फिर हम यहाँ से। तो ये इस तरह जो बड़े खाने वाले कापी होती है जो स्टाइल है वो भी आप लोग यहाँ से सेट कर सकते हो। मैं कंट्रोल ए कर देता हूँ, कंट्रोल ए थी मैं। अब यहाँ पर जो फॉर्मेट है रो हाइट मैं इसको कर देता हूँ वही डिफ़ॉल्ट जो 15 है मैंने वो कर दिया तो ये हमारा जो डिफ़ॉल्ट था वो हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर है हमारे पास आइटम्स, यहाँ पर जो साइज़ है वो है काफ़ी बड़ा 24, सो इसे हम कर देते हैं 12। अभी भी ये कुछ इस तरह है। मैं कंट्रोल ए कंट्रोल बी से मैं स्किप हो जाता हूँ यहाँ पर जो साइज़ है, यहाँ से मैं कर देता हूँ 8 हो गया। 8 तो बहुत छोटा है बट यहाँ से मैं कर देता हूँ 11। यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ, ये हो गया हमारा जो साइज़ है वो हो गया 11। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है हमारे पास नेम, यहाँ पर हमारे पास आइटम्स है। अभी मैं ये किस लिए कर रहा हूँ, ये यहाँ पर एक चीज़ है यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देती होगी इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर आइटम्स हूँ। नाम तो हम वही जो ट्रेडिशनल नाम है जो कि हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खुद ही मिलते हैं उसे, और आइटम हमारे पास वही आइटम्स हैं बल्कि यहाँ पर आइटम्स कुछ दूसरे किस्म के होंगे। तो ये हो गया कुछ इस तरह। यहाँ को हम इसको थोड़ा स्टाइल दे देते हैं, ये बॉर्डर इसका बड़ा कर देते हैं ताकि कुछ अच्छा लगे। इसके अलावा इसको हम किस तरह यहाँ पर जो है आप जब भी डिज़ाइन बनाए कोशिश करें कि खुशगवार माहौल का बना हुआ हो, आप लोगों ने ठीक से बनाया हुआ हो, उसका लुक ज़बरदस्त हो ताकि देखने वाले को भी लगे कि यार ये डिज़ाइन ठीक है। ये आइटम्स है। अब इसकी जो प्राइसेस हैं ये यहाँ पर कुछ अजीब हुआ है बट समझने के लिए काफ़ी है। यहाँ पर मैं इस तरह प्राइस लिख कर देता हूँ, इसको भी मैं जूती का बॉक्स बॉर्डर है वो अब प्राइस में रेंडमली ही पुट करूँगा ताकि हमारा टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो। यहाँ पर मैं कोई भी प्राइस इसमें इंटर कर देता हूँ और जो ब्रैकेट है उसे क्लोज कर देता हूँ। मैंने इसे यहाँ पर जाना है फिर यहाँ पर मैं करूँगा इसे वैल्यूज़, तो मैंने कर दिया इसको वैल्यूज़ में। अब मैं थोड़ा इसे नीचे कर लेता हूँ। अब यहाँ पर भी मैं जो बॉर्डर है वो अप्लाई कर देता हूँ ऑल बॉर्डर। यहाँ से ये जो है मैं इसको क्या कर देता हूँ मर्ज मैंने कर दिया। यहाँ पर मैं कर देता हूँ टोटल टी ओ टोटल, ये हो गया टोटल। अब ये सेंटर में हो गया ओके, इसको हम बोल्ड कर देते हैं। और इस पर जो बॉर्डर है हम वहीं जो टिक बॉक्स बॉर्डर है वहीं हम उस पर अप्लाई कर देते हैं। ये इस तरह हो गया इस पर। अब मैं मज़ीद थोड़ा नीचे जाता हूँ ओके, ये हो गया हमारा टोटल। अब यहाँ पर हमारा क्या आने वाला है, यहाँ पर हमारा आने वाला है जो टोटल है
वहीं आएगा। यहाँ पर मैंने बोल्ड कर दिया, यहाँ पर ये जो बॉक्स है मैं ऑलरेडी ये भी लगा देता हूँ। अब मैंने यहाँ पर क्लिक किया हुआ है अगर ऑटो सम पर, मैं क्लिक करो ऑटो सम तो ये जितना भी है ये यहाँ पर जमा करेगा ऑटो सम की मदद से। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर ऑटो सम पर क्लिक करता हूँ, इसका जो शॉर्टकट है वो है ऑल्ट इक्वल। यहाँ पर इक्वल सम, उसके अलावा यहाँ जितना जो आपका डेटा है आप जमा करना चाहते हो तो आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद इंटर। बहुत सारे तरीके हैं जमा के, या आप लोग इक्वल सम आपकी बोर्ड से करना चाहते हो। यहाँ पर है हमारे पास E7, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर E7 पर क्लिक करता हूँ। E7 ये जो एक कालन होता है, एक सेमी कालन जिसको राबता भी कहते हैं उर्दू में, वो प्रेस करना है। अब E7 से लेकर यहाँ पर है E22, E22 तो ये बिल्कुल E22। यहाँ पर E अगर हम 21 कर दे तो ये इस तरह होगा, बट यहाँ पर है E22, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद इंटर, तो भी रिज़ल्ट हमें इस तरह मिलना है। अगर आप इन सब को सेलेक्ट करें और नीचे देखें आप तो ये है इसका एवरेज, वहाँ पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर है इसका सम 18, 17, 30, बिल्कुल यही चीज़ है जो अभी हमने फार्मूले से कर दिया। मैंने जी पर क्लिक कर दिया। यहाँ से इसके अलावा जो कौंट नंबर्स है, मैक्स है और जो मिनिमम है वो भी यहाँ से आप शो कर सकते हो, बट एज ए बिगेनर ये जो चीज़ें हैं जो मैंने आज पढ़ाए इस ट्यूटोरियल में, ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी थी और ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। इसके अलावा यहाँ पर अभी जिस तरह मैंने यह टोटल लिखा हुआ है, यहाँ पर जो टेक्स्ट है हम इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज कर सकते हो। जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा जो कैलेंडर होते हैं या जो बिल्स होते हैं किसी चीज़ का, तो उसमें इस तरह के जो स्टाइल्स होते हैं वो लगे हुए होते हैं। जिस तरह मैंने वो दो स्टाइल, मज़ीद आप इनको ख़ुद भी चेक करें ताकि आप लोगों को ख़ुद भी अंदाज़ा हो जाए। तो ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ से आप कर सकते हो, यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो। यहाँ से आप क्लियर आल पर क्लिक करोगे तो जो कुछ है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ से सिर्फ वो फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा, यहाँ से कंटेंट क्लियर हो जाएगा, यहाँ से जो आप लोगों ने कमेंट इंसर्ट की होगी वो कमेंट डिलीट हो जाएगी। यहाँ से जो फील है डाउन और लेफ्ट या सीरीज़ में आपने किस तरह फील करना है तो ये इस पर एक वीडियो आएगी अभी नहीं, तो ये यहीं सीरीज़ वाला। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास नंबर है 12, इस तरह यहाँ पर ये जो है मैंने जो राइट है उसे क्लिक करके नीचे मैं लाता हूँ। अब मेरे पास वही जो फील वाला ऑप्शन है वो आता है। यहाँ पर कॉपी सेल्स जो सेल है मैं इसे कॉपी करता हूँ फील सीरीज़ में, फील फॉर्मेटिंग विदाउट फील डे, क्योंकि कह अभी हमने डेट और जो वीकेंड और ईयर वाला सिस्टम है वो अभी नहीं लगाना है, या सीरीज़ में, तो ये हमारे पास आ गया इस तरह। यहाँ पर ट्रेंड डेट इस तरह, या ऑटो फील, फॉर एग्जांपल हम ऑटो फील पर क्लिक कर देते हैं तो ये इस तरह हमारे पास ऑटो फील हो गया। वहाँ पर भी सेम यही चीज़ है। और दोस्तों मैं बस अभी ये जो रिकॉर्डिंग है यहाँ पर स्टॉप करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो सच में पसंद आई है तो अच्छे अच्छे कमेंट इस वीडियो पर करना और इस वीडियो को लाइक करना, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।